दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये वीडियो है हमारी त्र्यंबकेश्वर की यात्रा का दूसरा दिन और मंदिर से ही मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। तो उसके बाद हम लोग मंदिर सुबह दर्शन करने के बाद आए हैं यहाँ ब्रेकफास्ट करने और यहाँ देख सकते हैं आप ब्रेड पकौड़ा के साथ हमें कढ़ी सर्व की गई है, जो कि हम लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी क्योंकि चटनी की आदत है और वहाँ पर कढ़ी सर्व होती है, तो पता नहीं क्यों। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया और फिर हम यहाँ आए हैं कुशावर्त कुंड पे। कुशावर्त कुंड तीर्थ, कुशावर्त तीर्थ के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे लोग स्नान करने के लिए आते हैं। पूजा के बाद, पूजा से पहले भी लोग यहाँ स्नान करते। आप ये सब देख रहे हैं, यहाँ पे मुंडन करवाते हैं लोग और इसी तरह से अक्सर यहाँ पर लोग काल सर्प योग की पूजा के लिए या पितृदोष की पूजा के लिए आते हैं और उसकी पूजा के बाद यहाँ पे स्नान जरूर किया जाता है। तो ये सब पूजा के बाद ही लोग स्नान करें और ये पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष है और यहीं इसी वृक्ष के पास ही, कुशावर्त कुंड के पास ही हमारे भी पंडित जी जो हैं, आचार्य जी जिनसे हम लोगों ने पूजा करवाई थी, उनका घर है। तो बारिश बहुत यहाँ बार बार हो रही है, आप देख सकते हैं पूरा मतलब गंदगी मच गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि विलेज है और ज़्यादा यहाँ की रोड मतलब मार्केट के अंदर की रोड ऐसी ही है। अब आ गए हम लोग रूम पे और आपको व्यू दिखा रही हूँ। इवनिंग का टाइम है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी शाम का टाइम हो रहा है, हम लोग मंदिर दर्शन करके आके थोड़ी देर के लिए सो गए थे, अब शाम का टाइम हो गया है। अभी हम लोग जाएंगे चाय पीने के लिए, फिर से जाएंगे मंदिर, और कुछ तो यहाँ ऐसा करने के लिए नहीं है ज़्यादा, और कुछ घूमने के लिए नहीं है। पहाड़ी वगैरह है जहाँ पर हमारा जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसा, तो चलते फ़िलहाल देखते हैं और आगे क्या कर सकते हैं। तो शाम का समय हम लोग फिर से आ गए हैं मंदिर में और इतना अच्छा लग रहा है ना, नाइट का व्यू मैं आपको क्या बताऊं। और दर्शन तो दोस्तों इतने अच्छे से हुए ना शाम के टाइम में, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। और कितनी ही बार मैंने दर्शन किए, 3-4 बार मैंने बार बार अंदर जा कर दर्शन किए और गर्भगृह में जाकर बैठी। अक्सर लोगों को दर्शन मिलते नहीं हैं लेकिन मुझे बहुत बार मिले। दर्शन करना पड़े थे लेकिन शाम को फट से 2 मिनट में दर्शन हो गए, पता ही नहीं चला। हम लोग सीधा अंदर आए और दर्शन हो गए इतने अच्छे से और मंदिर के अंदर हमें बैठने को भी मिला, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, सुबह हमें लग रहा था जल्दी से कर लें दर्शन, तो हमने टिकट ले लिया था, अदरवाइज़ लाइन में लगने में थोड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन इस बार वक्त बिल्कुल भी लाइन में नहीं लगना पड़ा और सीधे अंदर, और अंदर थोड़ी देर बैठे भी। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, इस समय नाइट व्यू है ये। और मंदिर से लौटने के बाद हम आ गए हैं डिनर करने के लिए। काफ़ी देर वहाँ बैठे, पूजा की और चौराहे पर ही जहाँ पर मंदिर है वहीं पर काफ़ी सारे खाने के रेस्टोरेंट्स हैं, तो हम यहाँ आए हैं चौराहे पर ही, मैं आपको दिखा रही हूँ और अभी अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि काफ़ी लोगों ने हमें ना मिसगाइड किया था यहाँ आने से पहले कि यहाँ आप वहाँ जा रहे हैं आपको कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलेगा, वहाँ सिर्फ ना वड़ा पाव मिलता है, खाना भी अच्छा नहीं मिलता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा यहाँ सब कुछ अच्छे से मिलता है। और अभी सुबह का टाइम है, नेक्स्ट डे है और हम अपने आचार्य जी के घर में आए हैं, तो सुबह सुबह रेडी हो गए हम लोग नहाकर। आप देख सकते 6:05 है और ये एक पूजा के हिसाब से मतलब बताया गया था यहाँ पर कि बिल्कुल सिंपल सी साड़ी वेयर करनी है, कोरी साड़ी वेयर करनी है और इसको फिर वहीं छोड़ देते हैं, जो पूजा में कपड़े पहने जाते हैं वहीं पर छोड़कर आ जाते हैं, इनको अपने साथ में लेकर नहीं आते हैं। तो अभी बस कुछ लोगों की, हम लोगों के साथ में पूजा है तो सभी लोगों का यहाँ वेट कर रहे हैं और आचार्य जी भी आएंगे और फिर पूजा स्टार्ट करवाएंगे, तो बस उन्हीं के घर पे हम लोग उनका वेट कर रहे थे। और 4 बजे उठकर हम लोग रेडी हुए जल्दी जल्दी और फिर यहाँ आ गए। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर की तरफ, इनके यहाँ पर एक छोटा सा कमरा है लेकिन अंदर पीछे अच्छा सा काफ़ी बड़ा सा घर है। और ये देखिए मेरे हस्बैंड ने धोती पहन ली है, पूजा हो गई है, अब हम लोग यहाँ आ गए हैं अपने रूम पर और लंच करेंगे। तो लंच के लिए सोचा था पहले बाहर जाएं लेकिन फिर हम लोग पूजा के बाद आके थोड़ा सो गए थे क्योंकि जल्दी उठे थे तो बहुत थकावट लग रही थी, तो फिर हमने सोचा कि फिर से बाहर जाने से अच्छा है कि हम कुछ घर मतलब रूम पर ही ले आते हैं। तो यहाँ पर मैंने मंगाया है वेज पुलाव और बस यही खाते हैं और
फिर हो गई शाम, तो शाम को सोचा क्या करें, क्योंकि अभी जब तक हमारी पूजा चलेगी तब तक हम मंदिर नहीं जा पाएंगे, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि चलो यहीं पर टाइम पास करते हैं। तो अपने रूम में ही टाइम पास कर रहे हैं, और यहाँ पे आके सारा रूम फैल गया था, पूरे में सामान फैल गया था, तो मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया है अच्छे से। और ये जो मिरर है ना, ये मिरर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा सा चौड़ा है, तो इसमें ना रेडी होने में बहुत इजी रहता है। देखिए कितना अच्छा सा बड़ा सा मिरर लगा हुआ है यहाँ पर, और इसके सामने ही यहाँ पे बॉक्स जो बना है उस पर सामान रखना भी काफ़ी इजी हो जाता है। यहाँ कभी भी बारिश होने लगती है, ये देखिए फिर से यहाँ बारिश होने लगी है, और अभी कपड़े सुखाने के लिए डाले थे मैंने, लेकिन फिर से बारिश आ गई। मौसम लेकिन बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही प्यारा मौसम है, और हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। तो देखिए शायद मेरे हाथों पे बूंदे दिखाई दे रही हूँ आपको, तो थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, और चेयर पे सब पे पानी पानी हो गया है। मैं सोच रही थी कि वहाँ पोर्च में बैठूँगी, लेकिन चेयर में सब जगह पानी पानी हो गया है, तो अभी हम लोग बाहर नहीं गए। अभी बारिश बंद हो गई तो फिर मैं बाहर निकली, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा घूमते हैं गार्डन में, क्योंकि रूम में बैठे बैठे बोर हो रहे थे। यहाँ गजानन आश्रम के जो रूम्स हैं उसमें टीवी नहीं होता है, अदरवाइज़ थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है टीवी से, लेकिन यहाँ पर टीवी नहीं होता है। तो ये यहाँ के गजानन महाराज का जो मंदिर है, यहाँ पर सब लोग घूमते रहते हैं, पिक्चर्स क्लिक करते हैं, तो चलो मैं भी जाती हूँ अंदर। और अभी आए हम लोग डिनर के लिए, तो ये जो रेस्टोरेंट है, जो होटल है खाने के लिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, राजस्थानी भोजनालय। ये बहुत ही अच्छा होटल है, अगर कोई जाता है त्र्यंबकेश्वर तो यहाँ पे खाना ट्राई करें, यहाँ बहुत ही अच्छा खाना है यहाँ का, और सब कुछ मिल जाता है यहाँ खाने में, जो भी चीज़ें हैं, मतलब थाली सिस्टम भी है अलग से, आप खाने के लिए जो भी ऑर्डर करना चाहते हैं सारी चीज़ें मिल जाती है। और ये चौराहे पर ही है, ये देखिए ये मेन चौराहे पर है, यहाँ पर सुख सागर ये नाम से 3-4 होटल हैं, राजस्थानी भोजनालय। तो हमने सभी पे एक एक दिन ट्राई किया था, और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा खाना राजस्थानी भोजनालय इनके यहाँ पे लगा। और इनके यहाँ ना एक तो बहुत अच्छी साफ़ सफाई है, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं ये अपने कस्टमर्स को, और खाना तो बहुत लाजवाब है इनका। हमने कई सारी चीज़ें यहाँ ट्राई की 3-4 दिन में, तो जो भी हमने खाया सब कुछ बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत टेस्टी लगा। तो आज के खाने में हमारी दाल तड़का, आलू मटर, जो कि बिना लहसुन प्याज का खाना है, क्योंकि पूजा चलेगी जब तक हमें बिना लहसुन प्याज का खाना ही खाना है। तो हम लोग खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलते हैं फिर एक वीडियो के साथ, तब तक के बाद।